भारत में जल्द ले सकेंगे हाई स्पीड 5G का आनंद। इंटरनेट की स्पीड होगी 1 GB। सूचना क्रांति में तेजी से आए बदलाव के लिए 4G नेटवर्क का बड़ा योगदान माना जाता है, लेकिन जल्द ही 5G नेटवर्क भारत में दस्तक देने वाली है, जिससे इंटरनेट की दुनिया को नया आयाम मिलना तय है। यह इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि 4G नेटवर्क की तुलना में 5G नेटवर्क की स्पीड 45 गुना तेज है, जिससे 2.5 घंटे की एक हाई क्वालिटी फिल्म को 1 सेकेंड में डाउनलोड किया जा सकेगा। फिलहाल 5G नेटवर्क कई देशों में लॉन्च हो चुका है। इनमें प्रमुख रूप से चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्रिटेन का नाम शामिल है। इसके अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हांगकॉन्ग, स्पेन, स्वीडन, कतर और यूएई ने 5G को शुरू करने को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि 5G नेटवर्क आने के बाद इलेक्ट्रिक कार से पावर ग्रिड की तकनीक में बदलाव देखने को मिलेंगे। गौरतलब है, भारतीय दूरसंचार विभाग ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी कर रहा है और विभाग ने नीलामी कराने वाली कंपनी के चयन के लिए टेंडर जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि नीलामी कराने वाली कंपनियां 13 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगी, जबकि 28 जनवरी तक कंपनी का चयन पूरा कर लिया जाएगा। डॉट ने नीलामीकर्ता चयन के लिए जो टेंडर जारी किया है, उसमें कंपनियां 13 जनवरी तक आवेदन कर सकती है। 24 जनवरी को कंपनियों की बोलियां खुलेंगी और 28 जनवरी तक कंपनी के चयन की प्रक्रिया पूरी होगी। बताया जाता है कि नीलामीकर्ता कंपनी का चयन 3 साल के लिए होगा। 5G स्पेक्ट्रम समेत 9 स्पेक्ट्रम बैंड्स की नीलामी होगी। सभी 22 सर्कल में स्पेक्ट्रम नीलामी करानी होगी। 19 दिसंबर को विभाग नीलामीकर्ता कंपनियों से 7 बैठक करेगा। माना जा रहा है कि 5G नेटवर्क का विस्तार धीरे धीरे 4G नेटवर्क की जगह लेगा और 2020 तक दुनिया भर में 5G वायरलेस नेटवर्क का विस्तार हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो 5G नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर रिवेन्यू $4.2 अरब पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो साल 2025 तक 75 अरब इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस आने की उम्मीद है। इससे यह दुनिया इंटरनेट की मदद से अधिकतर काम बड़ी आसानी से कर सकेगी। हालांकि 5G कमर्शियल नेटवर्क आने के बाद पहला फायदा मोबाइल ब्रांड बैंड को मिलेगा, जिससे स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि हर घर तक बिना फाइबर लेन के उच्चतम स्पीड पहुंचाई जाएगी। अभी हाल ही में चीन ने अपने 50 शहरों में 5G की सेवा शुरू की है। चीन की 3 बड़ी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों ने 5G सेवा शुरू किया है। चीन के जिन 50 शहरों में 5G सेवा की शुरुआत की गई है, उनमें बीजिंग, शंघाई, शेंजेन जैसे शहर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि चीन में 5G इंटरनेट पैक की शुरुआती कीमत 128 युआन यानी करीब 1290 रुपए रखी गई है। तो यह तय माना जा सकता है कि हाई स्पीड इंटरनेट के लिए लोगों को अपनी जेब ढीली करने के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए। हालांकि 5G नेटवर्क में हाई स्पीड इंटरनेट की गारंटी जरूर मिलेगी। भारत में 5G सेवा अगले साल ही शुरू हो सकती है। दक्षिण कोरिया 5 अप्रैल 2019 को पूरे देश में 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया। दक्षिण कोरिया के बाद चीन 5G नेटवर्क वाला दूसरा देश बन गया है। 4G की तुलना में 250 गुना अधिक होगी 5G की स्पीड। 4G नेटवर्क के कितना होगा अलग? 5G नेटवर्क 5G यानी 5वीं जनरेशन नेटवर्क से डेटा स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। 5G नेटवर्क के जरिए डेटा 4G की तुलना में 250 गुना अधिक स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। इससे एक फॉर्मेट में एक साथ सैकड़ों फिल्मों को देखा जा सकता है। फैक्ट्री रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग नेटवर्क, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट और स्मार्ट सिटी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में यह 5G टेक्नोलॉजी क्रांति ला सकती हैं।